सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। कुछ लोग आपके जज्बात के साथ इस चालाकी से खेलते हैं कि आप हर चीज के लिए खुद को ही कसूरवार समझते हो। टूटा अगर मैं हूं तो टूटी हुई वो भी है। आंखों से अगर आंसू मेरे आए हैं तो आंखों से आंसू गिराए उसने भी है। माँ का लाडला अगर मैं हूँ तो बाप की परी वो भी है। मजबूरियां अगर मेरी हो सकती हैं तो मजबूरियों में फंसी शायद वो भी है। तू भले भूल जाना मुझे, मेरा दिल तुझे भुला न पाएगा। तू जब भी होगा किसी और की बाहों में, एक दफा तो ख्याल तुझे मेरा जरूर आएगा। रो पड़ा वो फकीर भी मेरे हाथ की लकीरों को देखकर, और कहता है तुझे मौत नहीं किसी की याद मारेगी। रुख मस्जिद का किया था उसको भुलाने की नियत से, नमाज जो काबिले कबूल लगी दुआ में फिर मांग बैठे। हमें नहीं चाहिए राशन। पर भाई हमें तो जरूरत थी, आपने क्यों मना कर दिया? क्योंकि वो साथ में पिक्चर्स भी बना रहे थे। इमाम अली अलैह सलाम ने फरमाया, जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की जिंदगी बेहतर है। किसी की मदद दिखावे के लिए ना करें, बहुत लोग मजबूर होते हैं, भिखारी नहीं। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने वजू करने से पहले पहला कलमा पढ़ लिया, अल्लाह ताला वजू के हर कतरे पर एक फरिश्ता खड़ा कर देगा जो कयामत तक कलमा पढ़ता रहेगा। जिसका सवाब कलमा पढ़ने वाले को और इस हदीस को आगे बताने वाले को कयामत तक मिलता रहेगा।